नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता। मैंने सुना है बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे वो जो लड़का है ना वो गॉड गिफ्टेड है और तरह तरह की बातें, और उसने जो मेहनत किया है ना वो हम नहीं देख पाते और तरह तरह की बातें करते रहते हैं। फ्रेंड्स, आपने भी गौर किया होगा कि जब आप स्कूल टाइम के पीरियड में होंगे तो कुछ लड़के, मतलब मुश्किल से एक या दो लड़के क्लास में हर बार टॉप करते रहते हैं, 7th में टॉप, 8th में टॉप, 9th में टॉप, और वही लड़का 10th में भी टॉप आ जाता है। कैसे कैसे? उसके क्लास के सारे लड़के जानने की कोशिश करते रहते थे कि यार मतलब हर बार ये टॉप कर जाता है, ये कितने घंटे पढ़ता होगा। और स्टूडेंट को तो छोड़िए, क्लास के जो टीचर होते थे ना वो भी बार बार उसी की मिसाल देते रहते थे कि देखो ये एक लड़का है हमेशा टॉप करता रहता है, इसे कुछ सीखो कैसे पढ़ा जाता है, एक तुम लोग हो। अब कुछ जो क्लास के स्टूडेंट हैं वो आपस में बातें करते हैं कि पता है ये ना ये रात में 8-8 घंटे पढ़ता है, सोता ही नहीं है, 2 से 3 घंटे सोता है केवल, और पूरी रात पढ़ता रहता है इसीलिए टॉप है। जबकि फ्रेंड्स यकीन मानो सच्चाई जो है वो बिल्कुल ही कुछ और होती है। तो फ्रेंड्स सच्चाई क्या होती है ये मैं बताने वाला हूँ आपको, हमें रोज़ कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अच्छा मैं एक बात पूछूँ, बिल्कुल दिल से बताइएगा, क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि कितने घंटे सोशल साइट्स में या इंटरनेट पे फालतू में समय बर्बाद करना चाहिए? पूछा है अपने आप से कभी कि रोज़ कितने घंटे मूवी देखना चाहिए? नहीं ना। और पता है क्यों नहीं आप अपने आप से पूछते हैं ऐसे सवाल? क्योंकि इन सब फालतू कामों में मन लगता है। आपने देखा होगा कि अक्सर कपल्स एक दूसरे से घंटों बातें करते रहते हैं और कभी वे एक दूसरे से नहीं कहते हैं कि आज आधे घंटे हैं तुमसे बात करेंगे या कल से केवल 1 घंटे हम लोग बात करेंगे। और पता है ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे जुनून होता है, जुनून। और फ्रेंड्स यकीन मानो आप जिस काम में आपका जुनून हो ना वो वहाँ पे समय की कोई पाबंदी नहीं होती है, समय की कोई लिमिटेशन होती ही नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि इसी जुनून, इसी पागलपन को आप पढ़ाई के साथ जोड़ दो, फिर देखो क्या क्या कमाल होता है, लाइफ फुली चेंज हो जाएगी आपकी। दोस्तों एक लड़का जो रात में 9 बजे पढ़ने बैठ जाता है, ठीक है, और घड़ी की तरफ देख के अपने आप से बोलता है कि आज मुझे 6 घंटे पढ़ना है, 9 बजे रात से लेकर 3 बजे तक पढ़ूंगा, देखता हूँ कैसे एग्ज़ाम नहीं निकलता, कुछ पता नहीं क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, बस उसके दिमाग में ये है कि आज 6 घंटे पढ़ना है। और एक और लड़का है जो पढ़ने बैठता है और सामने लगी घड़ी की तरफ नहीं देखता, जो उसके सामने घड़ी लगी है उसकी तरफ नहीं देख रहा है, नहीं वो अपने बुक की तरफ देख रहा है, ध्यान से देखता है और बोलता है कि आज इस चैप्टर को ख़त्म कर देना है, आज इस मैथ के चैप्टर को बना के ख़त्म कर देना है, 1 घंटे में हो जाए, 2 घंटे में हो जाए, या मुझे पूरी रात ही क्यों न जगनी पड़े, मुझे पूरी रात क्यों न जगनी पड़े। जुनून, और जुनून एक गोल के साथ, एक टारगेट के साथ। एक गोल रखा उसने, एक टारगेट बनाया, वो टारगेट 2 घंटे में भी पूरी हो सकती है, 1 घंटे में भी पूरी हो सकती है। मैं क्या बोलता हूँ कि आप रोज़ एक गोल बनाइए, अपने आप को एक टारगेट दीजिए, जैसे कि मुझे डेली मैथ का 3 चैप्टर बना लेना है तो बना लेना है, चाहे जितना भी देर लगे। समय मत देखिए कि कितने घंटे पढ़ना है, एक गोल बनाइए कि इतना चीज़ पढ़ के ये चीज़ ख़त्म कर देना है, ये चैप्टर ख़त्म कर देना है। अब कुछ लोगों का सवाल ये है कि आपने ये तो सही बोला कि जिस काम को जुनून के साथ किया जाए, एक टारगेट बना के किया जाए, उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन हमारा ये सवाल है कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? तो फ्रेंड्स इसमें आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आप कंटिन्यू नहीं हो पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कंटिन्यूटी यानी कहने का मतलब ये है कि आप थोड़े थोड़े ही पढ़ो, लेकिन रोज़ रोज़ पढ़ो और फिर देखना कि आप में कैसे इम्प्रूवमेंट हो रही है। थोड़े ही पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो। मान लो आप पतले हो और डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया, यानी बोला कि आप ये चीज़ खाओ, आप कुछ दिनों में मोटे हो जाओगे, और आपने क्या किया कि आप एक ही दिन बहुत सारा खा लिए, तो क्या होगा, आप मोटे हो जाओगे? नहीं ना, यानी रोज़ खाना पड़ेगा। यानी कि वही बात आ रही है कि हमें कंटिन्यूटी रखनी ही है, चाहे थोड़े ही पढ़ें लेकिन रोज़ पढ़ें, तब जाके वो काम करेगा। 10 दिनों से आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और अचानक से किसी दिन बुक लेकर के बैठ गए, तो क्या होगा, होगा क्या, 10 में से मुश्किल से 1 या 2 सवाल ही सॉल्व हो पाएगा। और फिर आप कहोगे कि मन नहीं लगता,
और एक लड़का है जो 10 में से 7 सवाल सॉल्व कर लेता है, तो भाई वो लड़का कभी भी नहीं कहेगा कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कैसे बनाना है सवाल को, कैसे क्या होगा। और ये सब उसे कैसे पता है, क्योंकि वो कंटिन्यू है, यानी कि मेन फंडा है कि चाहे हेल्थ बनाना हो या बिजनेस एक्सपर्ट होना हो या पढ़ाई में ब्रिलियंट होना हो, आपको कंटिन्यूटी करना ही पड़ेगा, आपको कंटिन्यू होना ही पड़ेगा। सो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इससे पहले कि कोई चीज़ आप पे हावी हो, आप उस पर हावी हो जाओ। और किसी ने क्या खूब कहा है कि समय के साथ बदल जाओ, नहीं तो समय आपको बदल के रख देगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना यार, मुझे अच्छा लगेगा। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को फ्रेंड्स, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे, और साथ ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। और हाँ, ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जय हिंद।